दोस्तों, क्या है सच्चाई आज सरकारी नौकरी की? क्या सबको सरकारी नौकरी मिल पा रही है? कितने परसेंट लोगों को सरकारी नौकरी मिल पा रही है, यह जानें इस वीडियो से। और साथ में, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या, तो व्हाट इज नेक्स्ट, यह सलूशन मिलेगा आपको। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धूप में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते देश के इन युवकों को देखिए। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके सीने की नाप हो और महाराष्ट्र पुलिस में बतौर कांस्टेबल उनकी भर्ती हो जाए। नौकरी के लिए लंबी कतारें देश में आम बात है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन कांस्टेबल पद के लिए खड़े युवकों में से कई कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो कई बीएड, तो कई डिप्लोमाधारी हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, आपको इनमें से कई ऐसे युवक भी मिल जाएंगे जिन्होंने एमबीए किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए भर्तियों की संख्या है 1137। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास और इसके लिए आवेदन मिले हैं 2 लाख से ज्यादा। इनसे मिलिए। ये है 27 साल के वसीम शेख। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने एमएससी किया है। जॉब नहीं मिल रही तो कांस्टेबल में भर्ती हो जाना भी मंजूर है। मेरा एमएससी कंप्यूटर साइंस से वाला है, कंप्यूटर साइंस से, और मैं पुलिस के इसलिए रिलेटेड आया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मगर मैं एमएससी कंप्यूटर हो के भी मेरे रिलेटेड कोई फील्ड के लिए जॉब गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करती है, इसलिए मैंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है। 27 साल के सचिन ठाकरे की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 2015 में बीएड हुआ, लेकिन इन्हें टीचर की नौकरी नवाजने से इनकार कर दिया गया। डूबते को तिनके का सहारा दिखा और सचिन चल पड़े कांस्टेबल पद पर तैनाती की इच्छा के साथ मुंबई, जहां पहले से ही भीड़ खड़ी है। मैं 2015 में पास आउट हुआ हूँ, मेरा बीएड हुआ है मराठी मीडियम में, और मैं पुलिस में इसलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब क्लास 3 या क्लास 4 कोई भी टाइप की नौकरी स्थिति में चाहिए। इन हायर एजुकेशन लेने वालों को क्या खाकी वर्दी इतनी जचती है कि लाखों की लागत से एमबीए की पढ़ाई करने के बावजूद ये कांस्टेबल बनना चाहते हैं? दरअसल 2 लाख आवेदकों में से 423 ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 167 मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 543 पोस्ट ग्रेजुएट है, 28 बीएड है, 34 लोगों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली है, 159 एमएससी है, 25 लोगों ने मास मीडिया में ग्रेजुएट किया है, 3 लोग डॉक्टर हैं, बीए एमएस किया है। बीएससी कंप्यूटर किया है, 2013-14 में पास हुआ हूँ और मैंने कभी उस क्षेत्र में प्रयास नहीं किया। मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल हूँ मैं, मेरा डिप्लोमा राजनगांव में 7 महीने मैंने जॉब किया है, पर जॉब में पेमेंट अच्छा नहीं, इसलिए अभी पुलिस भर्ती की तरफ आया हूँ। देश में नौकरी की किल्लत की तस्वीरें पहले भी आपने देखी होंगी, लेकिन ये इन हायर स्टडीज लिए युवकों की कांस्टेबल के लिए भर्ती होने की तस्वीरें सवाल खड़ी करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इन एमबीए, बीएड, कंप्यूटर साइंस पढ़े युवकों को कांस्टेबल बनना भी कबूल है, जिसके लिए योग्यता है सिर्फ 12वीं पास? जिसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं, जो फॉरेन में है, आप देखिए अच्छे अच्छे घर के बच्चे बच्चियाँ छुट्टियों में सब काम करते हैं, वेटर देख लीजिए, ड्राइवर देख लीजिए, सफाई का काम कर लीजिए, सब करते हैं ना, तो अपने यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर कहाँ है? सवाल है कि क्या देश का एजुकेशन सिस्टम इतना काबिल डॉक्टर्स इंजीनियर नहीं बना पा रहा कि देश में डॉक्टर्स की कमी खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बन पाए? क्या देश में इन हायर स्टडीज वाले युवकों के लिए देश में जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा, या इन एमबीए और डॉक्टर लोगों को सैलरी कम मिल रही है, या पुलिस की नौकरी में फायदा ज्यादा दिख रहा है? क्या लाखों पढ़ाई पर खर्च करने के बावजूद ये डॉक्टर्स, इंजीनियर और एमबीए किए युवक इतने स्किल्ड नहीं है कि उन्हें अपने क्षेत्रों में रोजगार मिल जाए, या सरकारी नौकरी में इन्हें जॉब सिक्योरिटी दिखती है? सचिन गौड़, जी मीडिया, मुंबई। तो एक तरफ हम देख रहे हैं इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और दूसरे मौके तलाश रहे हैं, और आपने देखा किस तरह से लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस आई हैं कुछ हजार वैकेंसीज के लिए। जॉब मार्केट पर वैसे भी कई तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, इसके क्या मायने हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, किस ओर हम बढ़ रहे हैं, दिक्कत है। एक क्वालिफिकेशंस हैं उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और लाखों की संख्या में जिस तरह से एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये क्या दर्शा रहा है? जो इंडियन जॉब मार्केट है उसके पूरे मूड को किस तरह से दिखा रहा है और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये?
देखिए, इसमें एक तो सबसे जो बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है, हमारी कंट्री एकेडमिकली काफी रिच है, काफी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो कि एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि पहली क्लास से 12+3 या 12+4 या पोस्ट ग्रेजुएशन लोग करते हैं। बट आज की डेट में अगर उसको देखें तो वो ट्रेडिशनल हो गया, वो बुकिश नॉलेज हो गया, वो वोकेशनल नहीं रहा है। तो चाहे वो डिग्री लोग एमएससी की लेते हैं या एजुकेशन बीएड की करते हैं या पीएचडी करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि किताबी नॉलेज तो उनको हासिल हो जाती है या वो डिग्री भी पास कर लेते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री की डिमांड या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फुलफिलमेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, एक जनरल माइंडसेट ये माना गया है कि सरकारी नौकरी सिक्योर होती है, कि अगर एक बार आप सरकारी नौकरी के अंदर आ गए तो आपकी जॉब सिक्योर है, आपकी जॉब नहीं जाएगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा जो भी पे कमीशन के हिसाब से आप वहां पे रहेंगे और वहां मेंटेन होगा, आपको हाउसिंग मिल जाएगा, कुछ फैसिलिटेशन मिल जाएगा। नहीं, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट जॉब्स, वो हम टच करते हैं, आपसे थोड़ा छुएंगे उसको, पर आप बता सकें प्रवीण जी किस तरह से आप देख रहे हैं, लॉयर्स हैं, एमबीए डिग्रीज उन्होंने ली हुई, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन somehow वो अप्लाई कर रहे हैं पुलिस में कांस्टेबल के लिए। मतलब क्वालिफिकेशन एक तरफ और ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या दर्शाता है, ये कितना ये सिनेरियो चैलेंजिंग है? ये दर्शाता है कि जब स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं तो वो भेड़ चाल में ये कोर्सेज परस्यू करते हैं, ना कि अपनी एप्टीट्यूड या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को सही तरह से नाप के या जांच के ये कोर्सेज में जाते हैं। उन्होंने सुना है कि भाई लॉ बड़ी अच्छी चीज है तो लॉ में चले जाओ, फिर वो कैसी लॉ कॉलेज है, उसकी कोई रैंकिंग है भी कि नहीं, उनमें लॉ की एप्टीट्यूड है भी कि नहीं, कॉलेज उनको सिर्फ एकेडेमिक कंटेंट देती है कि प्रैक्टिकल कोर्ट क्राफ्ट भी सिखाती है, ये सब जांचे बिना लोग इंजीनियरिंग के कोर्सेज और एमबीए के कोर्सेज में जाते हैं। जैसे आपके प्रोग्राम में के पैकेज में आपने बताया, जो जो फैक्टर्स आपने डिस्कस किए, ऑल दीज फैक्टर्स अप्लाई। यू नो, स्किल मैपिंग नहीं की गई है हमारे देश में, इसका मतलब कि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस किस, जहां पत्थर फेंको इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पत्थर फेंको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें फैकल्टी है कि नहीं, कोर्स कंटेंट अपडेटेड है कि नहीं, और आप जो बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं वो इंडस्ट्री रेलेवेंट है कि नहीं, ये तो कोई भी नहीं सोचता। तो ये एमबीए की डिग्री तो लेकर आते हैं या एलएलबी की डिग्री, लेकिन इंडस्ट्री में जिस तरह से आपको एक फाइनेंस के नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, वो किसको आता है, आप या ये भी बता सकें, उनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही पुअर होते हैं, तो इनको जब जॉब्स नहीं मिलते हैं 6-6 साल की पढ़ाई करने के बाद, तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर वो कांस्टेबल की नौकरी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और उनके फिर एस्पिरेशंस भी उतने लेवल के, जब एक एमबीए कांस्टेबल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो एमबीए वाली सैलरी एज कांस्टेबल उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो कैसे वो हासिल करेगा, देन व्हाट काइंड ऑफ मींस ही विल यूज एज अ कांस्टेबल टू गेट दैट एमबीए लेवल की सैलरी, ये तो हम सब सोच सकते हैं, है ना। तो और दूसरी बात, आप सारा ब्लेम एजुकेशन सिस्टम पर नहीं डाल सकते, एजुकेशन सिस्टम इज व्हाट इट इज, वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड, वेदर इट इज इनडिफरेंट, पर कुछ तो हमारे हाथ में भी है ना। बहुत छोटे छोटे और अच्छे अच्छे इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज आर अवेलेबल, शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज आर अवेलेबल, व्हाट स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम परस्यूइंग दीज कोर्सेज साइड बाय साइड विद देयर यू नो, जो भी वो बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं करता। सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर आपको काम करने की कितनी सख्त जरूरत है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू इवन कम्युनिकेट इन बेसिक इंग्लिश, तो आपका टूरिस्ट आएगा उसके साथ आप कैसे डील करेंगे। तो आपको एज अ स्टूडेंट यू ऑल्सो हैव टू यू नो बी प्रोएक्टिव। राइट, आगे आपको कहाँ, मतलब जॉब्स की अगर हम बात कर रहे हैं और जैसे ये इतने लाखों आवेदन आ रहे हैं
और उनकी क्वालिफिकेशन देख के आगे आपको कहां किन क्षेत्रों में ज्यादा दिख रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जैसे ऑटोमेशन हो रहा है, नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं, नए तरह के जॉब के मौके जो पहले नहीं थे, ये चेंजिंग ट्रेंड में खुद को भी कैसे चेंज करना होगा? देखिए आज के डेट में अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि हर इंडस्ट्री में मौके अवेलेबल होते जा रहे हैं, जो कि हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा की बात करते हैं, ये बड़ी चीजें हैं जो कि हम आगे आगे इंडस्ट्री को ग्रूम करेगी और हम सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बट अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें आज के डेट में और इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री देखें तो एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जहां रिटेल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, माइक्रो फाइनेंस है जो नया सेक्टर आया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ग्रो कर रहा है। अगर आप रिटेल सेक्टर देखे हैं तो रिटेल सेक्टर में ई कॉमर्स है, मॉडर्न ट्रेड है, जीटीएम बोलते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है, जिसके पीछे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, हर फंक्शन ग्रो कर रहा है। तो आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है कि जब तक मुझे एक्स कमेंसुरेट सैलरी मिलेगी तभी मैं जाऊंगा, तब तक तो फिर आप वेट करते ही रहें। जो जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां जाएं, आप वो जॉब करें। और अब तो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर फॉर लाइफ इज गॉन, तो आपको हर बार आपकी आंखें और ब्रेन खुला रखना है कि नई 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 अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी और उनके बारे में पता करें और उनके तरफ आप मूव करते जाएं। जी हम इनफैक्ट हम देख रहे हैं जॉब्स को लेकर चैलेंज है, और जैसे बोला जा रहा है कि आप जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स हों और उसमें कई तरह की योजनाएं भी आई, लेकिन कितनी वो ग्राउंड पर नीचे उतर पाए उस पर भी सवाल रहे। आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरियल पूरा इकोसिस्टम की बात हो रही है और छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए मौके? देखिए क्या है कि आज के डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करने लग गए हैं जहां पे वो ये सिखाते हैं हाउ टू डू द बिजनेस। एमएससी कंप्यूटर साइंस से वाला है, कंप्यूटर साइंस से, और मैं पुलिस के इसलिए रिलेटेड आया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मगर मैं एमएससी कंप्यूटर हो के भी मेरे रिलेटेड कोई फील्ड के लिए जॉब गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करती है, इसलिए मैंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है। और पुलिस भर्ती के फॉर्म में भी इतने कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे, उनके मैक्सिमम पीजी वाले, एमएससी कंप्यूटर वाले, इनके लिए कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। बारह हो गया, कृषि में डिप्लोमा में हो गया, अभी ग्रेजुएशन में चालू हूँ, मैं सेकंड में हूँ। ऐसा मेरा ये है क्या, खाकी पहनने का सपना है मेरा वाला, इसलिए मैं पुलिस भर्ती के पीछे लग गया हूँ। क्या अब भी आप सरकारी नौकरी की तरफ आंखें गाड़ के बैठे हैं? क्या अब भी हम सबको लगता है कि सरकारी नौकरी चाहिए? क्यों, आखिरकार क्यों हम सरकारी नौकरी की तरफ भेड़ चाल से आगे क्यों बढ़े जा रहे हैं? क्या हमको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है? क्या हमको अपनी काबिलियत पर शक है? तो फिर क्यों सरकारी नौकरी? हम सब लोग यह जानते हैं कि कितने पद हैं और कितने अभ्यर्थी हैं। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो सिर्फ 5% लोगों को सरकारी नौकरी मिल पा रही है। दूसरी तरफ ऑटोमेशन, रोबोट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां खा ली हैं। तो फिर यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? या फिर परिवार के ऊपर बोझ या देश और समाज के ऊपर बोझ बनकर जीना चाहते हैं? हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, आइए नेट पर जाइए, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, और देखिए आज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, क्या संभावनाएं हैं, लोग कहां तक पहुंच चुके हैं और सरकार गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या पूरे विश्व में, पूरे भारत में क्या हो रहा है जानने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और 21वीं सदी का व्यापार बनकर उभर के सामने आ रही है। दोस्तों मुझे यकीन है आप सब लोगों पर, हम नए युवा पीढ़ी पर, कि हम अपनी मंजिल खुद तय कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब लोग खुद और अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देंगे और इस उभरती हुई नई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पहचानेंगे, जानेंगे और कामयाब होंगे तथा साथ में अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर पाएंगे।
मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच।